हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में, दैनिक जीवन में, हिसाब किताब में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इसकी ज़रूरत हम सबको अक्सर ही पड़ती रहती है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाजार में हिसाब किताब कैसे करें। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में हम जाते हैं और वहां तमाम तरीके की चीजें हमें खरीदने को मिलती हैं और वहां हमें अलग अलग हिसाब बैठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा स्टार पॉइंट सीखने वाले हैं जिससे आप बड़े ही आसानी में बाजार में हिसाब किताब कर सकते हैं और इसको आप कई तरह की प्रॉब्लम में भी आप यूज कर सकते हैं। यहां मैंने इस वीडियो से संबंधित तीन क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आधारित है कमेंट बॉक्स पर और ये कमेंट किया है ठाकुर सोम सिंह जी ने। तो क्या लिखते हैं ठाकुर सोम सिंह, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, एक क्वेश्चन है आपसे कि एक कुंटल व्हीट का रुपीज 1550 है तो 58 किलो कितने का होगा, शॉर्ट ट्रिक में आप बता दो प्लीज। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आप देख रहे हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। और जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने लिया है खुद से, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए और इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखते ही फटाफट यूं ही आसानी से निकाल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की सवालों को करने का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास कैलकुलेटर होने पर भी हम इन सवालों को कभी कभी होता है कंफ्यूजन में कि हम एंट्री उसकी सही नहीं डाल पाते हैं और हमें रिजल्ट सही सही मिल नहीं पाता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का जो स्टार पॉइंट है वो क्या है, आप बहुत ध्यान से देखिए इस स्टार पॉइंट को, चूंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट पॉइंट देख ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहां पर हम सबसे पहले तो दाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, दाम। दाम लिखने के बाद हम यहां पर भाग करते हैं। क्या करते हैं, बस ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, हम यहां भाग करते हैं। और भाग किसका करते हैं, मात्रा का। हम भाग किसका करते हैं, मात्रा का। ठीक है, और यहां पर गुणा करते हैं किसका, हम यहां गुणा करते हैं वांछित मात्रा का जो हमको चाहिए। लेकिन आपको यहां एक विशेष चीज का बहुत ध्यान रखना है और वो ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो मात्रा होगी इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखिए होता क्या है, जैसे देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर आप समझिए जरा, हमें जो हिसाब बताया हुआ है वो बताया है क्विंटल का। देखिए यहां पे क्विंटल का हिसाब बताया है और हमसे पूछ रहा है किलो का। तो इस ट्रिक को आजमाने से, इस स्टार पॉइंट को आजमाने से पहले आपको ये दोनों का संबंध पता होना चाहिए, दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहां पर हमारा क्या है, एक क्विंटल बराबर। अब देखिए एक क्विंटल बराबर क्या होता है, एक क्विंटल और किलो में क्या संबंध होता है, तो एक क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो। एक क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो, यही इसका हिसाब है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक क्विंटल गेहूं 1550 रुपए का है और यहां पर हमें पूछा गया है 58 किलो का। किसका पूछा गया है, 58 किलो का पूछा गया है। तो यहां पे क्विंटल को भी हमें किलो में ही समझना पड़ेगा। जब तक ये दोनों यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम इसका दाम नहीं निकाल सकते, इसकी मात्रा नहीं निकाल सकते। तो अब देखिए यहां क्विंटल की जगह पे हम क्या करेंगे, यहां पे क्विंटल को हम, यहां एक क्विंटल तो है लेकिन हम इसको 100 kg मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 kg, यानी कि एक क्विंटल के बजाय हम इसको मन में रखेंगे कि ये एक क्विंटल 100 किलो है। ठीक, तो अब आइए अब हम अपना स्टार पॉइंट अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम कैलकुलेटर में क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो दाम, तो देखिए दाम हमारा कितना है, दाम हमारा है 1550 रुपए। क्या निकालना है, मूल्य।
ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम निकालेंगे, देखिए 1550 हमारा दाम है जो कि यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं स्टार पॉइंट में, तो दाम हमने 1550 एंटर कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, भाग करना है, तो यहाँ हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मात्रा, तो मात्रा देखिए एक क्विंटल है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूनिट दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर एक क्विंटल है मात्रा, लेकिन हम एक क्विंटल न लिखकर हम किलो में लिखेंगे क्योंकि किलो में ही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, और इसमें हम गुणा करेंगे किसका, जितना हमें चाहिए, जो चाहिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो वांछित मात्रा है वो 58 किलो है, तो यहाँ हम 58 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारी एंट्री हो गई है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो रेट आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप दाम एंटर करिए, भाग का चिन्ह लगाइए, इसके बाद जिसमें पूछा गया है उसी में अपने ये जो हिसाब आपको बताया गया उसको बदल लीजिए, बदलने के बाद वो भाग के बाद वही आप एंटर कर दीजिए, और इसके बाद जितने का आपको चाहिए। अब जब जैसे ही ये आप एंटर करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 899 रुपए। तो देखिए ये हमें आसानी से मिल गया, यानी कि अगर 1550 रुपए क्विंटल है यानी 100 किलो का दाम है, तो 58 किलो का कितना होगा, 899 रुपए। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर भी इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना है, तो चलिए फिर से हम यही तरीका आजमाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि किसमें आपका हिसाब दिया गया है और किसमें पूछा गया है, ये दोनों। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं हम किलो में दिया गया है और पूछ रहा है ग्राम में, तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि एक किलो में कितने होते हैं, एक किलो में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक किलो चीनी का मूल्य 38 रुपए है, तो हम यहाँ एक किलो के बजाय हम यहाँ समझेंगे कि ये एक किलो 1000 ग्राम है, ये एक किलो क्या है 1000 ग्राम है, और हमें यहाँ 175 ग्राम का पूछा गया। अब देखिए ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, अब हम अपना ये स्टार पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर जो हम मूल्य निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग दाम एंटर करेंगे, दाम हमारा कितना है, दाम हमारा है 38 रुपए, दाम कितना है 38 रुपए, और ये 38 रुपए कितने का दाम है, एक किलो का। अब एक किलो का है, अब चूंकि ग्राम में पूछा है तो इसको हमें ग्राम में ही यहां पे भाग का चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा, तो यहां हम लिखेंगे मात्रा 1000। अब देखिए 38 रुपए किलो है और भाग का चिन्ह लगा के ये 1000 ग्राम का है, तो 1000 हमने एंटर कर दिया। अब हमें कितने का चाहिए, ये हमको चाहिए 175 ग्राम का, तो 175 ग्राम का, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अब यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6.65। जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव के आगे रुपए होता है और दशमलव के पीछे पैसे होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 6.65। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। अगर केले 60 रुपए दर्जन है तो 17 केलों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है कि इसका जो टोटल जो दाम होगा वो कितना होगा, टोटल मूल्य होगा कितना होगा। तो देखिए फिर से हम वही अप्लाई करेंगे, लेकिन जैसा कि हमारा यहाँ शर्त है कि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए 60 रुपए दाम तो हमें पता है लेकिन दर्जन का है, और यहाँ हमें 17 किलो का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसे संख्या दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, और वही संख्या हम अपने एंट्री में भी यूज करेंगे। तो एक दर्जन में होता है 12 नग, मतलब कि 12 पीस हम कह सकते हैं, 12 पीस होता है। ठीक है, एक दर्जन में कितना होता है, 12 पीस। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, 17 किलो का हमें निकालना है, तो देखिए इसका मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए अब हमारे पास देखिए क्या हो गया, ये भी पीस में हो गया, ये भी पीस में पूछा जा रहा है, तो हम बड़े आसानी से अपने स्टार पॉइंट को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां देखिए मूल्य कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम एंटर करते हैं दाम, तो दाम हमें कितना बताया गया है, 60 रुपए दर्जन। इसके बाद हम यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 60 रुपए है तो, लेकिन कितने का है, तो ये दर्जन का है, लेकिन पीस हमें पूछा है, तो पीस इसमें कितने आएंगे, 12। तो यहां हम 12
एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें गुणा का चिन्ह लगाना है, किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का। अब कितने का पूछा है, 17 का, तो जैसे ही हम यहाँ 17 एंटर करेंगे तो हमें हमारा 17 किलो का मूल्य मिल जाएगा 85 रुपीज 85 रुपए, ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस हमारे लाइफ में आते ही रहते हैं, तो अगर आपको ध्यान है इस स्टार पॉइंट का, ठीक है, तो आप बड़े ही आसानी से ऐसे प्रॉब्लम को फटाफट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और उसका दाम, उसका मूल्य आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इसी तरह की नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपके पास भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।